उसी बीच में जिया का जो हालत देखे हम, इसको शायद चक्कर आने लग गया था। जिया का हालत खराब हो गया था, जिया को चक्कर, कमर दर्द, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, लगता है सारा दर्द, इसको पीठ में दर्द, सब कुछ होने लग गया था। उस समय कि बेबी जो मूवमेंट नहीं कर रहा, हम कह रहे बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। आ गए जी ऊपर से वॉक करके और अब जो है अपना नाश्ता कर रहे हैं। आज नाश्ते में जी रोटी दही तो खाते हैं जी, बहुत तेज भूख लग गई है। रोटी दही पहले खाते थे लेकिन आजकल छोड़ दिए थे, इसलिए लगता है कुछ सालों से छूटा हुआ था। मॉर्निंग स्कूल नहीं, अब तो मॉर्निंग स्कूल मेरा खत्म हो गया है, लेकिन मॉर्निंग कोर्ट तो है। मेरे हस्बैंड रोटी दही खा के सब दिन जाते हैं कचहरी। हम लोग भी जब स्कूल जाते थे मॉर्निंग स्कूल रहता था, यही खा के जाते थे। जो बच जाता है तो तुम खाता है। दो मालकिन पैसा देते हैं, मालकिन से हमें पैसा मिल गया है तो जा करके सब तो ले आते हैं। और कौन मालकिन है फिर? आप हम मालिक होंगे कि मालकिन होंगे? तो सीधा चलते हैं जी दुकान, वहाँ से ले आते हैं सत्तू का पैकेट। सत्तू तो खत्म हो गया, इस बार सोचते हैं दो पैकेट ही उठा करके ले आते हैं ताकि बार बार नहीं जाना पड़े। कुछ बोल रही है, देखते हैं ले आते हैं। रुक जा, प्रीतम एक पैकेट दूध और दो पैकेट सत्तू। वो आधा किलो वाला था ना पैकेट, दो दे दो, कितना हुआ? तो ले लिया जी दूध और सत्तू, इसके अलावा साथ में ले लिया जी आइसक्रीम। अभी मैं चल रहा था और अचानक सामने दिखा यह सांप, चौंक गया मैं। अच्छा हुआ जो पहले ही रुक गया, वरना इस पर मेरा पैर जल जाता, क्योंकि शायद ये इतना विषैला होता नहीं है। भाई साहब शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं एकदम। सांप जब भी देखते हैं तो ऐसा ही हो जाता है, शरीर एकदम सिहड़ जाता है। और हमारे मोहल्ले में सांप दिखना बहुत ही आम बात नहीं है, ये कभी कभी दिखता है। कहीं भी जंगल झाड़ तो बचा है नहीं, हर जगह है कंक्रीट, तो कंक्रीट में भी इस तरह से सांप दिखना असर ही है। दीदी यहाँ पर रख दिया सामान। जिया ले आइसक्रीम का, हम लाए थे अभी जल्दी बच गए, चल रहे थे सामने सांप था। हाँ साथ में रिकॉर्ड भी किया, दिखाते हैं तुमको। अभी पैर डल जाता है उसके ऊपर, बच गया किसी तरह से। आप दो साप से लेकिन बचे, गांव में भी बचे थे। हाँ सामान होगा ये ऋतु के लिए और जिया के लिए आइसक्रीम है, और वहाँ पर दूध और सत्तू है। जब आ रहे थे पुष्पु के घर के सामने, हाँ। एक था हरा हरा सांप, हमको ध्यान नहीं था, रिकॉर्ड करते हुए आ रहे थे अपना, हाँ, आ गया। तो पैर के आगे देखिए सांप है, झट से रुके। तो इधर परिदेव एडिटिंग कर रहे अपना आज मॉर्निंग में ही, क्योंकि डेली शाम में इनको तो मच्छर काटता था, मच्छर काटता था पहले ही कर लेते हैं। अच्छा मच्छर तो था ही, मच्छर के तो क्या कहने हैं। भाई साहब खतरनाक मच्छर से हुए यहाँ पर। और मैं इधर अपना रूम अरेंज कर रही थी कि पूरा रूम मेरा बिखर गया है। हम सोचे थे सुबह ही करेंगे, लेकिन सुबह जो है हमको थोड़ा चक्कर आ रहा था, सुबह रेस्ट कर लिए और अभी पूरा अपना रूम अरेंज कर लेते हैं ताकि इनको प्रॉब्लम ना हो, है ना? बिल्कुल। और हम तो कह रहे हैं कि रूम अरेंज करने की क्या जरूरत, हम कर देंगे, लेकिन जिया को धैर्य ही नहीं कि आप जो लेट से करेंगे। हमको तो इस बात पे इतनी हंसी आ रही है, जो रूम पूरा एकदम बिखेर के रखते हैं वो रूम मेरा ठीक करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने इतना बोला वही काफी है, अभी फिलहाल हम अपना काम करते हैं। अभी हमने ब्लॉग कर लिया है एडिट, और हमारी शहर में जी लगता है, हमारी शहर क्या जी लगता है, हमारी कॉलोनी में जो है मच्छरों का खान है, अच्छा खासा मच्छर है। बिहार में वैसे भी थोड़ा मच्छर ज्यादा है। ऐसा है क्या? तुम्हारी बुआ के यहाँ भी ऐसा ही हाल है, पूरा फुला देता इस तरह का कुछ मच्छर है। तो हमने सोचा कि अब जो है सुबह सुबह ही कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, कि शाम में नहीं बैठना पड़ेगा। क्या हुआ? बस आज की है, कल भी करेंगे तब हम समझेंगे कि हाँ ये कर सकते हैं। तो देखते हैं कल, वो भी आज हम इनको सुबह से यहाँ बैठे रहे यहाँ से। तो जिया को बिल्कुल भी भरोसा नहीं कि कल सुबह सुबह करेंगे। इस चक्कर में क्या होता है ना कि शाम में एडिटिंग करते हैं, कभी कभी इनका तबीयत खराब हो जाता है, कोई आ जाता है, फिर इनको कहीं जाना पड़ जाता है, तो इस वजह से हमारा ब्लॉग मिस हो जाता है। अच्छा, और आप लोग बोलते हो कि आप ब्लॉग कंटिन्यू। बिल्कुल जी, आप में से कई लोग जो है वेट कर रहे होते हैं, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि किसी दिन गैप करें, तो हम कोशिश करेंगे जी कि डेली ब्लॉगिंग होता रहे। और पीछे मैं सारा कुछ अरेंज कर रही हूँ। हाँ जी, और हम भी चले जाते हैं नहाने, हमारा हो गया एडिटिंग, ठीक है। तो पतिदेव चले गए नहाने के लिए और हमको बोल के गए हैं कि हमारे पास तो जिया टी शर्ट ही नहीं है, तो जब वो आएंगे तो उनसे हम बोलेंगे यहाँ पे गिनती कीजिए तो कितना टी शर्ट है, वो बोले बस चार पांच है मेरे पास टी शर्ट, और मुझे लगता है लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल 25 है और चार पांच हमने कल धोया था तो फैलाई हूँ ऊपर, और एक दो बाथरूम में पड़ा हुआ है, तो फिर भी उनको लग रहा है कि हमारे पास टी शर्ट नहीं है। जब वो आएंगे तो हम बोलेंगे पूरा गिनती करके मुझे बताइए तो कितने टी शर्ट है आपके पास। तो फाइनली जी एक ब्लॉग लगा दिया हमने अपलोड पर, उसके बाद जो है वहाँ तरबूज रखा हुआ है, उनको वहीं नहीं गए थे रखने, वहाँ रखी नहीं, वहाँ पर दिख रहा है आपको पीछे। आपने बोला चाकू नहीं है,
आओ, प्लेट ले आओ, चॉपिंग बोर्ड ले आओ। तरबूज नहीं बोले, तरबूज नहीं लाए। बहुत बढ़िया, जिसको काटना है उसी को ले आओ। वहाँ तरबूज कोई बात नहीं, हम उठा के ले आते। बैठे लाते हैं, आप बिना देखे बोल रहे हैं। तरबूज तो कट गया जी, अब इसको जा करके नीचे दे आते हैं, सभी लोग खाएंगे। नीचे तो यहाँ पर देख सकते हैं जी, कितना सारा सामान बिखरा हुआ है। यहाँ पर सारा सेटअप भी लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है रील शूट। तो कुछ सामान जो है जिया यहाँ से उठा रही है, अब उधर डालेगी। जब वहाँ शूट हो रहा था तो यहाँ सब सामान दे दिए थे, अब जब यहाँ होगा तो उधर दे देंगे, फिर बाद में सबको अरेंज करेंगे। अब बिल्कुल जी, कुछ कुछ जो आप पैकेट देख रहे हैं जी, तो जिया का हॉल वीडियो भी आने वाला है। तो वो लेकिन हॉल वीडियो जो है आने वाला है जिया के चैनल पर। अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे उसका लिंक डाल देंगे, आप वहाँ पर जाइएगा उसके चैनल को। हमारे चैनल का नाम है शाश्वत जिया, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा सामान है, कुछ इंस्टाग्राम के लिए। 1 hour later जी, हमारा रील तो शूट हो गया है, उसके बाद अब जो है झालमुड़ी बनाने की तैयारी चल रही है। रिया जो अपना स्पेशल झालमुड़ी बना रही है, देख रहे हैं मूंग का गजरा उधर मिल रहा है, एकदम प्याज, खीरा, टमाटर, धनिया, नींबू का चटकारा, मजा आने वाला है। तो यहाँ पर जिया का झालमुड़ी तैयार हो चुका है जी, अब इन सभी झालमुड़ी को लेकर के जाते हैं नीचे। जो है मोनू, रितु, दीदी, रेडी दोनों को दे देंगे। थोड़ा सा ही खा लेने, बोलिए नहीं थोड़ा सा, नहीं थोड़ा सा बोल देंगे खाने, कोई दिक्कत नहीं। The next day. अभी अभी वॉक हो गया खत्म, और आज जो है हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया था उठने में, क्योंकि कल रात जो है हम लोग मूवी देख रहे थे। मूवी का नाम था शर्मा जी नमकीन। तो मस्त मूवी था जी, ऋषि कपूर जी का था, ऋषि कपूर जी जो अब रहे नहीं, और यह उनकी आखिरी मूवी थी। तो जब मूवी की शूटिंग चल रही थी उस बीच में ही उनका देहांत हो गया था। तो बात चल रही थी कि इस मूवी को कंटिन्यू कैसे किया जाए, तो इसमें जो है कंटिन्यू किया जी परेश रावल जी ने, और परेश रावल जी ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। परेश रावल तो एक्टर है जी जबरदस्त, तो आप लोग को भी यह मूवी देखना चाहिए। रिटायरमेंट के ऊपर है यह मूवी, रिटायरमेंट के बाद किस तरह से एक इंसान बोर हो जाता है, उसके बाद किस तरह की लाइफ होती है, वो है उसके ऊपर। तो आप लोग को जरूर देखना चाहिए। तो हम लोग ऊपर से नीचे आ गए, और इधर मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय, इधर यहाँ पे हिसाब कर रहे हैं। बिल्कुल जी, हिसाब कर रहे हैं, और बताइए हिसाब में कमी हो। वो मुझे क्या पता क्या हिसाब करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन डेली करते हैं हिसाब, तो मुझे बस इतना पता है। तो करने देते हैं उनको, और मैं सबको चाय लेके आती हूं। अभी बज रहे हैं जी 3:00 PM, और चलते हैं मार्केट। घर में जो है तरबूज खत्म हो गया है, डॉक्टर ने जो है तरबूज रिकमेंड किया है खाने के लिए, साथ ही खीरा और जितना भी पानी वाला चीज होता है तो वह सब चीज लाना है। और नारियल भी देख रहा हूँ कि खत्म हो चुका है, शायद आज तक तो टिक जाएगा, लेकिन फिर आज के आगे के लिए दिक्कत हो जाएगा। हम जब भी जाते हैं मार्केट 2-3 नारियल उठा करके ले आते हैं, ताकि बार बार नहीं जाना पड़े मार्केट। तो सीधा चल मैं 2 नारियल देना, ताजा वाला देना भाई। वीडियो बनाते हैं सर। हाँ हाँ, यूट्यूब पर आप भी आइएगा चैनल पर। जिया शाश्वत राय। कैसे भैया तरबूज? देखिएगा 7 है। पपीता कैसे है? 1 प्लेट वो भी खिला दीजिए। ले लिया जी सारा सामान, अब सीधा चलते हैं घर। और यहाँ देख रहे हैं कि बगल में नाली सबका सफाई चल रहा है, सारा मलबा जो है रोड पर निकाल दिया। अरे भाई साहब, मलबा रोड पर कहीं निकाले, रोड पर निकाला तो लेके जाओ भाई, बगल में ही छोड़ दिया है। 3 hours later अभी तो जिया को देख रहे होंगे जी, अभी आराम से देख रही है, वहाँ पर सत्संग सुन रही है अनिरुद्ध आचार्य जी का जी। फल लेकर के जैसे ही घर आए तो वहाँ पर थोड़ी देर बैठे हम लोग, बैठ करके बात कर रहे थे। फिर जिया को बोले कि जिया 1 गिलास पानी देना, तो जिया बस पानी जो लेने गई, उसी बीच में जिया का जो हालत देखे हम, इसको शायद चक्कर आने लग गया था। जिया का हालत खराब हो गया था, जिया को चक्कर, कमर दर्द, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, लगता है सारा दर्द, इसको पीठ में दर्द, सब कुछ होने लग गया था उस समय। तो जिया को बोले सुनो सुनो तुम गिर जाएगी, वहाँ पर बैठ जाओ। तो जिया तो ऐसी कुछ हालत है कि बेबी जो मूवमेंट नहीं कर रहा, हम कह रहे बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा। तो हो गए जी 3 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, जिया बीच में जो लिक्विड होता है वो सब भी ली, चीनी वाला आइटम सब होता है, ग्लूकोज सब ले ली ताकि मूवमेंट करे, तो मूवमेंट नहीं कर रहा था उस समय। रात में क्या हुआ था, रात में हम अक्सर अभी नहीं सो पाते हैं, जगह ही रहते हैं, और क्योंकि पेट में कुछ कुछ ना कुछ करते रहता है, कभी कमर दर्द रहता है, तो नींद नहीं आती, हम इधर से उधर घूमते रहते हैं। और रात में 3 बजे के बाद इससे ये मूवमेंट नहीं कर रहा था, तो हम उठ के वो जो डॉक्टर दिए सेसे वो पी, उसके बाद भी मूवमेंट नहीं हुआ। हम सोचे कि चलो अभी लगता है कि सो गया, चलो हम भी सो जाते हैं। हम सो गए, फिर सुबह उठे तो नहीं हो रहा, फिर हमको डर लगने लगा था। फिर ये बोले कि ठीक है तुम जो जो पीती हो सब पियो, ग्लूकोज सब पियो, सब कुछ पिए, फिर भी नहीं हो रहा। बिल्कुल जी, कई बार तो ऐसा होता है कि जब बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा होता है, बनाना शेक देते थे इसको, मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाता था, लेकिन आज भी वही हुआ है, थोड़ी देर बाद हुआ है,
थोड़ी देर बाद हुआ है ऐसा करके। तो कुछ खाए जैसे ग्लूकोज वगैरह पीते थे, नमक चीनी पानी सब मिला के, तो उसका मूवमेंट शुरू हो जाता था, लेकिन आज नहीं हो रहा था। हम लोग जो है परेशान हो गए थे, तब तो हम सोच लिए थे कि अभी जाते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन जैसे ही सोचे डॉक्टर के पास जाएंगे, जिया करिए कि मूवमेंट शुरू हो गया पेट में। एक बार मूवमेंट हुआ, हम के चलो और काउंट करो, तब तो मतलब एक बार जब हुआ तब तो डर खत्म हो गया। बिल्कुल जी, फिर उसके लगता है आधा घंटे बाद जो है दूसरा हुआ, हाँ, उसके बाद फिर उसके कुछ देर बाद तीसरा हुआ, और उसके बाद से तो अब तो मूवमेंट चालू कर रहा है। तो अभी ऐसा सिचुएशन है जी, कभी लगता है ठीक है, कभी लगता है खराब है। क्योंकि हम डॉक्टर से जब बात किए थे, जब हम दिल्ली में दिखा रहे थे, तो वो बताई थी हमको कि 9 मंथ में जो है ना थोड़ा सा किक करता है, ज्यादा थोड़ा सा मूवमेंट कम हो जाता है, कम हो जाता है पहले के मुकाबले, बहुत कम हो जाता है, लेकिन ध्यान रखना है कि थोड़ा भी करता है या नहीं करता है। बिल्कुल कि बिल्कुल मूवमेंट नहीं करे तो वो चिंता की बात है, जो कि शुरुआत में हो रहा था, हम लोग जो है काफी ज्यादा डर गए थे। और अभी भी ऐसा क्या हो रहा है, जैसे कि अभी हम एकदम फिट है, हमको कुछ नहीं हुआ है, अभी हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि मतलब पूरा एकदम लो फील करते हैं, कभी कभी एकदम पीठ दर्द, कमर दर्द सब शुरू हो जाता है, सब हो जाता है, और फिर तुरंत ठीक हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं बस अब कुछ ही दिन बाकी है। और आप मैं से बहुत लोग पूछ भी लेते हैं क्या डॉक्टर ने डेट दिया है, क्या डॉक्टर ने डेट दिया है, तो मैं वो कल बताऊंगी आपको दूसरे ब्लॉग में। ठीक है जी, तो अब ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले। और हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, एक शेयर से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।